नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनी जैन, हेड ऑफ द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल, फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के ऊपर, सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर और विमेन फीमेल्स के ऊपर। सिगरेट स्मोकिंग खाली मेल नहीं करते, खाली आदमी सिगरेट नहीं स्मोक कर रहे। आज की तारीख में फीमेल्स भी या औरतें भी बराबर की सिगरेट स्मोक कर रही हैं। आप खड़े होकर देखिए, go into the posh colonies, goes into posh area, आप जाके देखेंगे तो वहां पर काफी फीमेल्स आपको स्मोक करती मिल जाएंगी। अगर मैं डेटा की बात करूं, सो लगभग 28% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में कभी स्मोक किया है, और 17% फीमेल्स आज भी ऐसी हैं जो करंटली स्मोक कर रही हैं। और जब मैं बात करता हूँ फीमेल्स की, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ 18 साल से प्लस की। मैं स्कूल गोइंग गर्ल, जो लड़की स्कूल जा रही है, जो कॉलेज जा रही है, जो एडल्ट है, जो मदर है, जो कि मदर इन लॉ है, मैं उन पूरी एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ बात हो रही है एक 11 साल की लड़की से लेकर एक 70 साल की औरत तक, सारी फीमेल्स इनवेरिएबली स्मोक कर रही हैं। और एक बहुत ही कूल फैशन ट्रेंड बन गया है स्मोकिंग। बट लेट मी टेल यू, सिगरेट स्मोकिंग या निकोटीन स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना ही वो फैशन स्टेटमेंट है। रीजन, वो ऐसी जानलेवा बीमारी कर देता है लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, लाइक ब्रेन डिजीज, ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है, ब्रेन की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, ब्रेन का रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। बात करें अगर डिजीज की और ज्यादा, कैंसर, तो मैं कैंसर की बात करता हूँ तो वो सर से लेकर पैर तक किसी भी ऑर्गन का कैंसर कर सकता है। स्मोकिंग इन एनी एंड एवरी फॉर्म शुड बी प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग करनी ही नहीं है, चाहे वो या टोबैको आई शुड कॉल इट, तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार में नहीं करना, ना बीड़ी में, ना सिगरेट में, ना खैनी में, ना किसी और, ना जरबा में, किसी भी और प्रकार में। रीजन, वो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर से लेकर स्किन कैंसर सब कुछ करता है। फीमेल्स की अगर बात करें तो वो ब्रेस्ट कैंसर में भी एप्लीकेबल हो जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और हर प्रकार के कैंसर। दूसरा, स्मोकिंग एक बहुत ही एडिक्टिव आदत है, बहुत ही ज्यादा आदमी को ना मजा आता है स्मोक करके, किक मिलती है, क्योंकि एक ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है डोपामिन, जो कि एक रिवॉर्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर है। वो आपको एक अनप्लेजेंट, जो सिचुएशन आपके हिसाब से अनुकूल नहीं है, उसको आपके हिसाब से बना देगा। आपको लगता है कि नहीं, जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो एक फेज ऑफ डिनायल में आप चले जाते हैं। तो शुरुआत में जो काम एक सिगरेट करती है, जो काम एक बीड़ी करती है, जो काम एक फ्लैग करता है, धीरे धीरे बढ़ के आप उसको टॉलरेंस डेवलप करते हैं और आप उसको 8 सिगरेट 10 सिगरेट पे चले जाते हैं। यहाँ पर आके दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि सिगरेट जब आप स्मोक करते हैं तो उसमें खाली आप खाली तार, खाली आप निकोटीन नहीं ले रहे हैं, उसके तार भी ले रहे हैं, हैवी मेटल्स भी ले रहे हैं, और 4000 के अलग और प्रकार के उसके अंदर पदार्थ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आप मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, शोर शोर गले खराब रहने शुरू होते हैं, खांसी बहुत रहती है, लंग कैंसर होने के चांस, ब्रेन ट्यूमर होने के चांस, इसके मतलब बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं स्टडीज की, तो अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक लगभग हमारे पास 8 मिलियन डेथ होंगी जो कि टोबैको रिलेटेड या स्मोकिंग रिलेटेड होगी वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि टोबैको का सेवन या स्मोकिंग या सिगरेट पीना, जिस भाषा में आपको समझ आए, वो आज से ही बंद कर देंगे। रीजन, एयर पॉल्यूशन की वजह से भी लंग कैंसर हो रहा है। जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी रिसेंटली, उसमें ये डेटा आया है जो कि ये कहता है कि EGFR नाम का एक जीन है जो कि लंग कैंसर करता है, वो एयर पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट, यानी कि एयर पॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उससे ही एक्टिवेट हो रहा है। सो उसके लिए स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी एक ओवरबर्डन ओवर पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रहते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम अगर बॉडी को जितना बचा के रखेंगे, जितनी इन चीज़ों से दूर रखेंगे, उतना ही लंबा जिएंगे, उतना ही स्वस्थ जिएंगे। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि स्मोकिंग नहीं करनी है, टबैको किसी भी फॉर्म में नहीं खाना है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, औरों की सेहत का ध्यान रखिए। बिकॉज एक फीमेल को बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, वो एक बेटी होती है, फिर एक बहन बनती है, फिर वाइफ बनती है, फिर मदर बनती है, फिर मदर इन लॉ बनती है, फिर वो दादी बनती है, तो बहुत लंबा रोल प्ले है एक ही फीमेल के लिए। तो इतने बड़ा रोल प्ले अगर किसी ने हमें पूरा करना है, अपनी स्वस्थ फैमिली देखनी है, तो उसके लिए प्लीज क्विट स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन इमिजिएटली छोड़ दें। थैंक यू।